एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे जो लिपस्टिक के कलेक्शन है उसे मैंने तीन हिस्से में डिवाइड किया है, रेड कलेक्शंस, फिर पिंक कलेक्शंस एंड अभी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है न्यूड कलेक्शन, जो कि आजकल बहुत ही फैशन में है। तो आज वो सारे न्यूड कलेक्शंस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। न्यूड शेड्स हम कब कब यूज़ कर सकते हैं? न्यूड शेड्स हम हर टाइम यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए तो न्यूड शेड्स बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि जब मैं पीटीएम में जाती हूँ आर्यन के लिए तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। जब मैं ये लोकल एरिया में ही कहीं जाती हूँ तब एम्प्टी लिप्स कुछ अच्छा नहीं लगता, तब उस टाइम में मैं एक न्यूड शेड अप्लाई कर लेती हूँ। और इस तरह से अभी तो गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो गर्मी के सीज़न में आपको क्या बोलूँ, मतलब न्यूड शेड एंड लाइट पिंक के ऊपर कोई भी शेड बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से एक एक करके आपको मैं या फिर भी मैंने नाइन कलेक्शन मतलब नाइन शेड्स रखे, तो ये सारे शेड्स मैं आपको एक एक करके अप्लाई करके दिखाऊंगी। और अब देखना कि हर एक शेड आप प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ भी जाते हो, मतलब ऑफिस में, या आप टीचर हो, आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हो तब भी अगर ऐसे आप अप्लाई करते हो, आप एक मदर हो, स्कूल मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो हर एक जगह पर बहुत अच्छी तरह से सूट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट शेड से। यह है मेरा फर्स्ट शेड एनवाईवे का, तो यह है मेरे लिप्स पे। और आप देख के आपको पता चला है कि मेरे लिप्स पे कोई लिपस्टिक है। तो ये लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद पिगमेंटेशन जितने भी है वो सारे पिगमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है, एंड मेरे फेस को, मतलब मेरे मेकअप को भी एक बहुत ही नेचुरल नॉर्मल एक लुक दिया है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये आपके साथ शेयर करना। पर हम जैसे लड़कियाँ जिनके अपर लिप पे थोड़ा ब्राउन शेड है, तो उनको तो ये न्यूड शेड्स के लिपस्टिक ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल लुक्स भी आ जाएगा और उसके साथ साथ जो ब्राउन पार्ट जो है लिप्स का वो भी कवर हो जाएगा। तो ये जो शेड है ये पिगमेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है, एंड आई होप कि मैं जो देख रही हूँ कि मुझे कुछ हेवी लुक भी नहीं लग रहा है, एंड मैंने थोड़ा सा शेडो अप्लाई की है, तो इसके साथ ये न्यूड शेड बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो शेड है इसे आप ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं, या आप अगर क्लाइंट प्लेस में जाते हो तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसे इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसका जो शेड है ये कम्प्लीटली प्रोफेशनल लुक। और उसके बाद जो शेड आता है वो है स्टे कुटकी का लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक, और इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। इसका जो एक रेंज है वो टोटल रेंज का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ और इसी चैनल में मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। तो अभी लिक्विड लिपस्टिक है ये, तो मतलब मेरे व्यूअर्स भी हमेशा मुझे फीडबैक देते रहते हैं कि बहुत अच्छा लिपस्टिक है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। तो जस्ट इसे मैंने अभी अप्लाई की है, तो अभी थोड़ी देर रहने के बाद अगर मैं कुछ खाऊँ या पीऊँ तब भी ये लिप से बिल्कुल नहीं जाता है, एंड ये टेस्टेड है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये मैं जब मैं कोई नया लिपस्टिक लेती हूँ तो उसके ऊपर मैं टेस्ट करती हूँ, होल डे उसके साथ मैं रहती हूँ, एवरीडे का जो खाना पीना होता है वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ, एंड ये 100 से 100 मार्क्स लेके पास हुआ है। ये बहुत अच्छी तरह से, मतलब जब तक इसे आप मेकअप रिमूवर इसके ऊपर अप्लाई नहीं करें तब तक इसका कुछ भी नहीं जाएगा। और ये पैराबिन लीड फ्री है, तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रह सकते हैं। ऐसा एक एप्लीकेटर आता है तो इसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो एंड ये बहुत ही स्मूथ है एंड बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई करता है, मतलब थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद ये ड्राई हो जाएगा, फिर से इसे डिप करना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लॉन्ग टाइम से इसे लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इसके साथ। और ये जो शेड है इसके साथ भी आप कहीं भी जा सकते हैं, डे टाइम में चाहे नाइट टाइम में, आपका जो ड्रेस है उसका कलर चाहे जो भी हो। अब बस ये न्यूड शेड के साथ मैं एक ही बात आपको बार बार बोलूँगी कि आई मेकअप थोड़ा सा हेवी कीजिए, थोड़ा सा हेवी मीन्स एक थिक लाइनर ही अप्लाई कर लीजिए, या थोड़ा सा ब्राउन शेड का एक शेडो अप्लाई कर लीजिए, वो बहुत अच्छा दिखेगा एंड हेयर स्टाइल चाहे आप जैसे। और मेरा जो नेक्स्ट शेड है वो है स्टे कुटकी का बैड ड्रेस सुपर मैट लिपस्टिक। इसे मैं ऑलरेडी आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, एंड मैं जब भी मॉल में जाती हूँ, सैटरडे संडे कहीं भी जाती हूँ, तो ये जो लिपस्टिक के रेंज है इसे मैं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है। एंड ये जो शेड अभी मैंने अप्लाई किया है आप देख सकते हैं, इस शेड को मैं स्पेशली मेरे लैंग्वेज में बोलती हूँ कि समर स्पेशल शेड, क्योंकि ये पिंकिश न्यूड शेड है। इस लिपस्टिक का खास बात ये है कि ये मैट फिनिश है, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सुपर मैट, इसका नाम भी है और ये सच में सुपर मैट है, और ये ट्रांसफर रेजिस्टेंट है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसी तरह से इसको मैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे ब्लॉग हर रोज आप लोग देखते हैं, आपको तो पता ही होगा कि इस लिपस्टिक की जो रेंज है इसे मैं डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ। जो भी लिपस्टिक यूज़ करती हूँ तो नॉर्मली वो टॉक्सिन फ्री होता है, मतलब हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते इसमें, तो इसलिए ये लिपस्टिक मुझे
बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका जो शेड है ये तो आप देख ही रहे हैं, तो ये आप कहीं भी जाए, आप कौन सा भी कलर आप यूज़ कर अपने ड्रेस में, मतलब मल्टी कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड कैसा भी आपका मेकअप लुक हो, चाहे थोड़ा हेवी मेकअप लुक हो, थोड़ा लाइट हो, पर ये लिपस्टिक का जो कलर है इसके साथ आपका हर एक मेकअप बहुत अच्छी तरह से किया। एंड गाइस मेरा जो ये नेक्स्ट शेड है, ये जो लिपस्टिक मैंने अप्लाई की है, ये है फेसेस का, ये एक लिप क्रेयॉन जैसा है, और इसके साथ मुझे मिला है एक शार्पनर भी। और ये जो लिप शेड है, ये आपको मैं क्या बोलूँ कि इस लिप शेड के बारे में, जब मैंने इसे अप्लाई किया था ना, तो बिल्कुल क्रेयॉन की तरह ये काम करता है, जैसे कि क्रेयॉन से हम ड्राइंग करते तो उससे भी ज़्यादा स्मूथ, मतलब एक एप्लीकेशन में ही मतलब पूरे लिप्स को कवर कर गए, एंड लिप्स के जो पिगमेंटेशन है उसको भी छुपा लिए, तो इतनी अच्छी तरह से काम करता है। एंड ये इंडियन स्किन टोन के लिए तो बेस्ट है, मतलब फेयर एंड मीडियम स्किन टोन के लिए बेस्ट है ये, इतनी अच्छी तरह से एक मतलब लिप्स को कवर करते हैं कि इसके ऊपर अगर आप एक हेवी आई मेकअप करते, मतलब मैंने जो किया है वो एक मीडियम आई मेकअप किया है, पर अगर आप स्मोकी आई ऐसा कुछ बनाते हैं और अपने हेयर को थोड़ा सा ऐसे खुला रखते हैं तो ऑसम लगेगा। ये लिप शेड आपके लिप्स में आपके पूरे मेकअप को एक अलग ही लुक दे देगा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। पर जबकि मैं आपको इतने सारे लिप शेड्स एक साथ दिखा रही हूँ, तो मैं तरह तरह के ऐसे मेकअप नहीं कर सकती, तो इसलिए बस मैं एक ही मेकअप के साथ आपको सारे के सारे जो न्यू शेड्स है वो दिखा रही हूँ। पर आप अपनी मर्जी से, अगर आप अपने स्टाइल में जब ये शेड्स यूज करेंगे तो अपनी मर्जी से कुछ भी आप मतलब मेकअप कर सकते हैं, कैसे भी आप चाहे आई मेकअप कर सकते हैं, और उसके साथ ये तो बहुत अच्छा लगेगा। पर ये जस्ट मेरा एक सजेशन है कि मुझे ये शेड को देख के लगता है कि ये स्मोकी आई के साथ बहुत अच्छा जाएगा, और इसे अप्लाई करने के बाद ये 7 to 8 hours तक बहुत अच्छी तरह से स्टे करता है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे टाइम जितना होता है तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत रिमूव होता जाता है। तो गाइस मेरा जो नेक्स्ट शेड है वो आप देख सकते हैं, और ये है मोडा कॉस्मेटिक्स का। तो मोडा कॉस्मेटिक्स के इस शेड मैंने यूज़ किए हैं, और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो मोडा कई सारे चीज़ें यूज़ कर चुकी हूँ, और ये जो ब्रांड है ये इंडिया का नहीं है, ये टर्की का एक ब्रांड है। तो ये जो मोडा कॉस्मेटिक्स है ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो है रिजनेबल प्राइस में आ जाता है, इंडियन ब्रांड नहीं है फिर भी ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आ जाता है, और उसके साथ साथ स्किन के ऊपर ये जो वर्क करता है ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो लिप शेड आप देख रहे हैं ये लाइट पिंक में है, ये न्यूड है पर लाइट पिंक में है, और ये भी थोड़ा सा समरी फीलिंग देता है, तो इस तरह से ये शेड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो और सीजन स्पेशल मैं लिप शेड का, ये न्यूड लिप शेड का जो एक कलेक्शन रखा है उसमें मैंने इसे भी शामिल कर लिया है। एंड मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही अच्छे क्रीमी टेक्सचर देते हैं, एंड पूरे दिन के लिए लिप्स को बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट रखता है, मैट और ग्लॉसी के अंदर मतलब एक बैलेंस मेंटेन करता है। एंड ये मैं जो अभी बात कर रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, ये मैट लिपस्टिक नहीं है फिर भी आप इसे समर सीजन में आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि ये ट्रांसपोर्ट फ्री है और ये वाटरप्रूफ है, तो इसलिए अगर समर सीजन में आप कहीं जाते हैं तो अगर धूप में आप स्वेट हो जाते हैं तो तब भी ये आपके लिप से बिल्कुल नहीं हटेगा। तो इसी तरह से इस लिपस्टिक को भी आप समर सीजन में इस शेड के साथ यूज़ कर सकते, और ये जो शेड है ये बहुत अच्छा नेचुरल लुक देता है, आप मुझे देख ही सकते हैं। तो उसके साथ साथ ये जो शेड है ये इंडियन स्किन टोन के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब चाहे फेयर हो आपका स्किन या मीडियम हो या थोड़ा सा डस्की हो तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा जाएगा। एंड गाइस मेरा जो नेक्स्ट शेड है वो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ऑरेंज एक टोन है इसमें, ये ना ही पिंक और ना ही ब्राउन, ये ऑरेंज टोन है, पिंक एंड ऑरेंज का जो मिक्सचर एक कलर होता है तो ये वही कलर है। एंड ये है कलर बार का, तो कलर बर का जो लिपस्टिक होते हैं वो नॉर्मली ग्लॉसी होते हैं, मतलब क्रीमी होते हैं, नॉट ग्लॉसी आई एम सॉरी, ये क्रीमी टेक्सचर में आते हैं, एंड ये भी क्रीमी है, एंड ये मैं क्या बताऊँ ये सुपर स्मूथ है, इसे अप्लाई करना बहुत इजी है, एंड लिप्स जो है वो बहुत ही मतलब कंफर्टेबल फील करता है, एंड स्पेशली ये बहुत अच्छा है ड्राई लिप्स के लिए, जिनका लिप्स कुछ टाइम बाद ये ड्राई हो जाते हैं, मतलब जब ये जितने भी आप चाहे लिप ग्लॉस यूज़ करें, जितने भी चाहे आप लिप बम या ऐसा कुछ यूज़ करें, फिर भी कुछ टाइम के अंदर ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तो वो लोग अगर लॉन्ग टाइम के लिए इस लिपस्टिक को यूज़ करते हैं ना, तो दिन भर के लिए आपका जो लिप्स है वो हाइड्रेट रहेगा एंड वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप बहुत ही अच्छे तरह से देख सकते हैं कि मेरा जो लिप्स है वो मैं बातें कर रही हूँ तो कितना फिट मैं बात कर सकती हूँ, लिप्स कितना अच्छी तरह से मूव कर रहा है, फिर भी थोड़ा सा भी मतलब खींचा खींचा ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, तो इस तरह से ये लिपस्टिक भी मुझे बहुत पसंद है, वैसे मैं इसे खोलना भूल गई। तो ये इसका शेड है,
और ये मुझे काफी पसंद है। इस तरह से इस लिपस्टिक को आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हो, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, या आप टीचर हो, स्कूल जा रहे हैं, या आप स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हैं, तो हर एक जगह पे ये बहुत अच्छी तरह से सूट करेगा। एंड कोई भी फंक्शन हो, इस लिपस्टिक को आप यूज कर सकते हैं। इसका जो लास्टिंग पावर है ये 3 to 4 hours तक रहेगा। 3 to 4 hours के बाद ये धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट होता है। टोटली इसे ऐसे रिमूव कर दीजिए, उसके बाद इसे फिर से अप्लाई कर लीजिए, बस हो जाएगा। पर ये लिप बम का भी काम करता है, लिप ग्लॉस का भी काम करता है, और ऑब्वियसली लिपस्टिक का भी काम करता है। एंड गाइस, मेरा जो नेक्स्ट शेड है वो है स्टे ब्यूटी का बैटरी सुपर मैट लिपस्टिक, और ये अभी मेरे लिप्स पे है। आप तो देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। एंड स्पेशली मुझे ये जो इसका जो रेंज है, ये मुझे मतलब सुपर मैट का जो ये रेंज है ये बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा ग्लॉसीनेस, मतलब थोड़ा सा क्रीमीनेस आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही मैंने जो लिपस्टिक अप्लाई की थी वो क्रीमी टेक्सचर था, तो वो मैं रिमूव करने के बाद जब इसे अप्लाई किया तो इसलिए ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। पर एक्चुअली ये सुपर मैट है, पर ये सुपर मैट हो सकता है पर ये बिल्कुल भी सुपर ड्राई नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं सुपर मैट यानी कि लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा, पर इस लिपस्टिक में मैंने इसे भी खोलना भूल गई। तो ये इसका एक्चुअली कलर जो मैंने अप्लाई किए, तो इस लिपस्टिक में ऐड किया गया है विटामिन ई ऑयल। एंड विटामिन ई ऑयल आप जानते हैं कि स्किन को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, इनके जो ड्राइनेस है उसे दूर करता है। तो यूज करने के बाद आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, बिल्कुल भी ड्राई ड्राई ऐसे आपके लिप्स नहीं लगेगा। एंड अप्लाई करने के टाइम में भी ये सुपर ईजी है, ऐसा नहीं कि मैट लिपस्टिक जब हम अप्लाई करते हैं हम सोचते हैं कि पूरे लिप्स को ऐसे कवर करेगा, नहीं, ये इतना ड्राई है कि ऐसे घिसने से भी पूरे लिप्स को कवर नहीं कर पाएगा, पर ये बहुत अच्छी तरह से लिप्स को कवर करता है। एंड ये हाईली पिगमेंटेड है, तो पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो तो मतलब कम्प्लीटली खत्म होने वाले है। एंड उसके साथ साथ एक नेचुरल, एक नो मेकअप वाला एक लुक भी इसमें आ जाएगा। तो इस लिपस्टिक समर सीजन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। एंड नॉर्मली हम कहीं भी जाते हैं तो हम हमेशा मेकअप करना पसंद नहीं करते, पर जब हम औरतें मतलब हम लेडीज़ थोड़ा सा मेकअप तो हमेशा ही चाहते हैं कि हमारे फेस पे रहे, इसलिए चाहे आप जैसे भी अपना फेस मेकअप करें, जैसे भी चाहे अपना आई मेकअप करें, तो उसके साथ इस लिपस्टिक को आप अप्लाई कर सकते हैं, तो एक नो मेकअप वाला लुक भी आ जाएगा और उसके साथ साथ आप खुद भी अंदर ही अंदर गुड फील करेंगे कि मैंने मेकअप किया है। एंड गाइस, मेरा जो ये नेक्स्ट शेड है ये है विपिरा का। तो विपिरा का ये जो लिप शेड है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये क्रीमी एंड लाइट वेट कवरेज देता है, ये लिप्स को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेट रखता है, बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होने देते। और इसमें कई टाइप के मतलब प्रीमियम चीज़ें यूज़ किए गए हैं इसे बनाने के लिए यूज़ किया गया है कैंडेलिला वैक्स, बी वैक्स, आइस ब्रांड वैक्स, तो ये सारे चीज़ें यूज़ किए गए हैं इसमें। और ये मैं आपको बता दूँ एक प्रीमियम क्वालिटी के लिपस्टिक है, तो ये जो इसका जो शेड है ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये समर सीजन के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप देख ही सकते हैं जो मैं बात कर रही हूँ कितना कंफर्टेबली मैं बात कर पा रही हूँ। तो इस तरह से ये जो लिपस्टिक है ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, और इस समर में मैं अगर जब भी कहीं जाती हूँ तो ज़्यादा टाइम मैं इसे भी यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये इंडियन स्किन टोन के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब आप चाहे कौन से भी कपड़े पहने, उसका कलर चाहे जो भी हो, तो उसके हर एक कलर के ड्रेस के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि न्यूड शेड का यही स्पेशलिटी होता है, और इसके साथ साथ ये न्यूड शेड का भी रेंज में आ जाता है, तो इस तरह से मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड गाइस, मेरा जो ये लास्ट शेड है ये है शुगर का अल्टीमेट ब्राउन शेड है, और ये क्रीमी टेक्सचर में आता है, मतलब मैट और ग्लॉसी का एक कॉम्बिनेशन टेक्सचर है ये, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हैं कि इसमें बात करने में कितना आसान हो रहा है, एंड बहुत अच्छा एक नेचुरल लुक भी ये देता है। एंड नो मेकअप लुक के लिए तो ये जो लिपस्टिक है ये परफेक्ट है, एंड स्पेशली इंडियन स्किन टोन के लिए आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका स्किन टोन चाहे जैसा भी हो, आपको इतना भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा फेयर हो सकते हैं, आप मीडियम हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही आप डस्की हो सकते हैं, पर इसके लिए भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लिप शेड को यूज़ करने के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कोट आप दे दीजिए। आप अगर ज़्यादा डस्की है तो बस एक कोट दे दीजिए, अगर आप मीडियम है तो आप एक या दो कोट भी दे सकते हैं, और जिनके स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर है उनके लिए तो ये उनका चॉइस है, वो किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, उनके स्किन पे हर एक चीज़ अच्छा लगता है, पर हम लोगों को थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। तो इस तरह से हम अपने स्किन टोन के हिसाब से इसे हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब सारे के सारे न्यूड शेड को ही हम यूज़ कर सकते हैं आँखें बंद करके, वो भी आप पे बहुत अच्छा लगेगा, हर एक शेड पे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ है मैट, कुछ है क्रीमी, तो इस तरह से आपको चूज करना कि आपको कौन सा पसंद है। पर मैं जबकि लिपस्टिक लवर हूँ तो मुझे हर टाइप के लिपस्टिक अच्छे लगते हैं, और कई टाइप के मतलब कई सारे ब्रांड्स के मैं लिपस्टिक यूज करती रहती हूँ। लगते हैं कि नए नए ब्रांड्स, नए नए टेक्सचर के लिपस्टिक्स मुझे एक्सप्लोर करना ही अच्छा लगता है।
मैं इस तरह से एक्सप्लोर करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो यही मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही बात मुझे बहुत खुशी देती है। तो ऐसे सीजन के हिसाब से भी मैं अपने लिपस्टिक के कलेक्शंस रखती हूँ एंड कभी ना कभी मैं आपको पिंक शेड में भी दिखाऊंगी कि कितने सारे पिंक का भी कलेक्शन मेरे पास है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सामने जबकि समर आने वाले हैं तो अभी आप अगर कोई रिजनेबल प्राइस में लिपस्टिक लेना चाहते हैं तो ये जो सारे ब्रांड्स मैंने दिखाई आपको वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा महंगे ब्रांड पे मैं नहीं जाती। मतलब अगर आप एक मीडियम लेवल बैलेंस करना चाहते हैं तो बहुत कम में भी मत जाइए, बहुत हाई में भी मत जाइए, मीडियम लेवल पे रहिए। यहाँ पे मिक्स है, ये सारे मिक्स है। तो इसी तरह से इसके और भी अगर डिटेल्स में आपको जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हर एक का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइज ये जो वीडियो है मेरा बस यहीं तक है, तो फिर मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।